गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत कम लोग दिख रहे हैं भाई ऑनलाइन में, सब लोग ऑफलाइन आ गए क्या? बाकी लोग ऑनलाइन वाले कुछ बोलते नहीं हो यार, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। सबका जो है पता नहीं मुंह में सीलन लगा हुआ है कि क्या है, समझ नहीं आता बोलते ही। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लोग बोलते नहीं। चलिए ठीक है, अब बोलो या ना बोलो मेरे को तो पढ़ाना ही पड़ेगा। दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 16:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग फोर इज टू वन मॉड्स। यानी आपको 16:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है 4:1 मल्टीप्लेक्सर के द्वारा। केवल 4:1 मल्टीप्लेक्सर ही आपको यूज करना है, और हो सकता है ज्यादा आप मल्टीप्लेक्सर यूज करो, है ना, 3, 4, 5, लेकिन आपको क्या बनाना है 16:1 मल्टीप्लेक्सर। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो 16:1 मॉक्स में 16:1 जो मॉक्स होता है उसमें टोटल इनपुट्स कितने होते हैं? इनपुट्स हो जाएंगे 16, आउटपुट 1, है ना, आउटपुट इज इक्वल टू 1, और सेलेक्ट लाइन कितने हो जाएंगे? 4। सेलेक्ट लाइन इज इक्वल टू 4। तो 16 इनपुट्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 4 तो 4:1 मॉक्स यूज करना ही पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इनपुट्स अगर हम देखते हैं, 1, 2, 3, 4 इनपुट हो गया, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका I0, I1, I2, I3, I4, 5, 6, 7, I8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, okay? तो सारे 4:1 मक्स है आपके पास, 4:1 मक्स। ओके, अब ये सारे मल्टीप्लेक्सर के क्या हो जाएंगे? आउटपुट्स आएंगे। ये तो 4 आउटपुट हो गया, अपने को चाहिए क्या? सिंगल आउटपुट चाहिए। अब सिंगल आउटपुट कहाँ से लाएंगे? ये हम लोग एक काम करते हैं कि एक और 4:1 मॉक्स यूज करते हैं। उससे क्या हो जाएगा, इस मल्टीप्लेक्सर में जो इनपुट्स हैं, इन सारे मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट को ज्वाइंट कर दीजिए,
ये हो गया, एक आउटपुट हो गया, यानी अब हमारे पास सिंपली वाई आउटपुट हो गया और 16 इनपुट्स हो गए। लेकिन अभी प्रॉब्लम और है। क्या प्रॉब्लम है? सेलेक्ट लाइन का। इसके भी दो सेलेक्ट लाइन होंगे, इसके भी दो सेलेक्ट लाइन होंगे, इसके भी दो सेलेक्ट लाइन हो जाएंगे, इसके भी दो सेलेक्ट लाइन होंगे, इसके भी दो सेलेक्ट लाइन होंगे, जबकि हमें चार ही सेलेक्ट लाइन चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के सेलेक्ट लाइन को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो पहले। सिमिलरली इन दोनों के सेलेक्ट लाइन को भी शॉर्ट कर दो। उसके बाद क्या करो, इस सेलेक्ट लाइन और इस सेलेक्ट लाइन को भी शॉर्ट कर दो। ये आपके जीरो हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये जो सेलेक्ट लाइन है और ये सेलेक्ट लाइन, इसको भी शॉर्ट करो। शॉर्ट करने के बाद ये हो गया आपका एस वन, और बाकी ये हो गया टू और ये हो गया थ्री, यानी एस जीरो, एस वन, एस टू, एस थ्री। नाउ इट बिहेव्स लाइक 16:1 मल्टीप्लेक्सर। अभी हमारा 16:1 मल्टीप्लेक्सर की तरह बिहेव करेगा। बना लीजिए डायग्राम। डायग्राम बन जाएगा तो बता दीजिए। हो गया? यस सर। क्या इशू रजिस्टर? इशू रजिस्टर है अपनी, देखना पड़ेगा कहाँ पर। हो गया? यस सर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग डी मल्टीप्लेक्सर देखते हैं, ठीक है। पहले लिखिए डी मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। देखिए डी जल्दी को बताऊ, डी मल्टीप्लेक्सर लिखिए, इट इज अ डिवाइस दैट टेक्स अ सिंगल इनपुट लाइन एंड रूट्स। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर रूट्स, ROUTS, रूट्स it to one of the several digital output lines, देखिए डी मल्टीप्लेक्सर को डीमक्स भी बोलते हैं ना, DEMUX, डीमक्स। फुल स्टॉप को लिखिए, a demux of 2 to the power n outputs, 2 to the power n outputs has n
select lines, comma, which is used to select, which is used to select which output line to send, which output line to send the input. Which output line to send the input. Now write down application of DMUX. Application of DMUX. फर्स्ट एप्लीकेशन लिखिए कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम. सेकंड एप्लीकेशन है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU. थर्ड वन इज सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीमल्स. देखिए डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इट्स रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर. ओके, ये क्या है आपका, रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर है. और इसमें रिवर्स का मतलब क्या हो गया कि उसमें क्या था आपका, सिंगल आउटपुट था, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल इनपुट है ना. इनपुट लाइन एक ही रहता है इसमें और सेवरल डिजिटल आउटपुट लाइंस को ये प्रोड्यूस करता है. ठीक है, मीन्स ये जो हमारा जितने भी आउटपुट लाइन है, एज पर द डिफरेंट सेलेक्ट लाइंस, मीन्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेलेक्ट लाइंस, कौन सा इनपुट किस आउटपुट में शो होगा वो बताता है आपका डीमल्टीप्लेक्सर. ठीक है, मीन्स इनपुट एक ही रहेगा है ना, और कौन सा इनपुट जो है वो इनपुट जो है किस आउटपुट लाइन में चला जाएगा या किस आउटपुट में शो होगा वो डिपेंड करता है एज पर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्ट लाइंस. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन आपका आउटपुट्स एंड सेलेक्ट लाइन वो क्या होता है, 2 to the power n आउटपुट्स होते हैं, आउटपुट लाइन होते हैं, इफ वी हैव n नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस. ठीक है, सो फर्स्ट टाइप ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर इज 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर होता है तो 1:2 भी आप बना सकते हो. मैं 1:4 डीमक्स आपको बता दे रहा हूँ, बस 1:4 डीमक्स. 1:2 भी होता है उसको अभी आप बना सकते हो, जब ये बन जाएगा तो वही बन ही जाएगा. ठीक, ब्लॉक डायग्राम देखिए, सपोज दैट इनपुट इज डी इन, ठीक है, एंड आउटपुट्स आर y0, y1, y2 and y3. ये आउटपुट्स हैं. तो सेलेक्ट लाइन कितने हो जाएंगे, सेलेक्ट लाइन विल बी S0 and S1 सेलेक्ट लाइन. ओके, तो अब सेलेक्ट लाइन ही डिसाइड करेगा कि इनपुट किस आउटपुट लाइन में जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए ट्रूथ टेबल में S0 S1 हमने बनाया है यहाँ पे एज ए इनपुट, और आउटपुट है आपका y0 y1 y2 and y3. 0 0 0 1 1 0 1 1 डी इन और ये सारे 0 0. 0 1 कॉम्बिनेशन के लिए डी इन कहाँ चला जाएगा, y1 में. फिर 1 0 केस में डी इन कहाँ जाएगा, y2 में. सिमिलरली 1 1 के केस में y3 में डी इन चला जाएगा. सो वी में राइट
logical equation like this. Y0 is equal to T in S0 bar S1 bar. Y1 is equal to D in S0 bar S1. Y2 is equal to D in S0 S1 bar. And Y3 is equal to D in S0 S1. Am I clear to all? Yes, sir. Okay. Now, logical diagram. D in S0 S1. ठीक है, D in हो गया, S0 हो गया, S0 bar, S1, S1 bar. उसके बाद अपने को क्या करना है, फोर आउटपुट चाहिए y0 के लिए, हो गया y1, y2, y3, y0, y1, y2 एंड y3. y0 में क्या आ जाएगा, d in s0 bar s1 bar, फिर है d in s0 bar s1, फिर है d in S0 S1 bar S1 bar, फिर ये T S0 ठीक है. इस तरह से आपका 1:4 डीमक्स बन गया. आप चाहें तो 1:8 डीमक्स बना सकते हैं इसी तरीके से, है ना. तो बना लीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन को. हो गया. यस सर. नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन इंप्लीमेंट फुल एडर using एट इज टू वन मार्क्स. देखिए, ये जो आपका मल्टीप्लेक्सर होता है वो यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं. मीन्स मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसका यूज करके हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को बना सकते हैं, इंक्लूडिंग फुल एडर, हाफ एडर, सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, व्हाटएवर.
ठीक है। तो अभी हम लोग बना रहे हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे कि उसको फुल एडर, ठीक है। तो फुल एडर का जो आपका ये होता है ट्रुथ टेबल होता है, इट इज जस्ट लाइक दिस, ए बी सी इन सम एंड सी ओ 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 सही है, कोई दिक्कत? अब इसमें एस में क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, यहाँ भी जीरो लिखेंगे, 1 0 1 0 1 1 0 कैरी 1 1 0 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 विथ कैरी 1। इट मीन्स दैट वी मे राइट एस इज इक्वल टू, यानी सम के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं तो वी मे राइट लाइक दिस, एस इज इक्वल टू सिग्मा एम, मीन्स मीन टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, ये वाला 1 2 3, थ्री के बाद कौन सा था, 4 और 8 7, तो दीज आर द मीन टर्म्स 1 2 4 एंड 7। सिमिलरली सी आउट के लिए अगर हम मीन टर्म्स लिखना चाहेंगे तो सिग्मा एम में क्या क्या हो जाएगा, ये 3 है ना, फिर क्या हो जाएगा 5 है, देखिए 3 5 और उसके बाद 6 और 8 7, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 5 6 7, दीज आर द मेन टर्म्स फॉर सी आउट। ओके, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, अब ये तो हमारे पास मेन टर्म्स मिल चुके हैं, अब आपको क्या बनाना है, बेसिकली बनाना ये है 8:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 8:1 marks। पहले हम सम को इंप्लीमेंट, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा, सम, ठीक। इसमें 3 सिलेक्ट लाइंस होंगे, कौन कौन सा, A0 S1 और H2। 8:1 मल्टीप्लेक्सर में 3 सिलेक्ट लाइन होते हैं। अब हमारे पास इनपुट भी क्या है, ए बी सी इन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी इससे प्रोवाइड कर, ठीक है, ए बी सी इन जो इनपुट है वो किससे प्रोवाइड कर दिए, सेलेक्ट लाइन से। हमें पता है कि सेलेक्ट लाइन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही आउटपुट में क्या आएगा, मल्टीप्लेक्सर यही होता है ना, इसलिए हमने इनपुट क्या किया, ए बी सी कहाँ से दे दिया, S0 S1 S2 से। अब क्या करना है कि सम के लिए चूंकि हम डिजाइन कर रहे हैं तो 1 2 4 7, यानी ये जो 1 है 1 2 4 7, इन सारे इनपुट्स को क्या कर देना है, इससे हम 1 प्रोवाइड कर देंगे, 1 मतलब प्लस 5 है ना, और हो गया, और क्या करेंगे बाकी जो बचे, जैसे I0
i3, i5 और i6, इन सबको क्या करना है, इन सबको ग्राउंड कर देना है, जीरो वोल्ट सप्लाई देना है ग्राउंड। ये जो अब है मल्टीप्लेक्सर वो सम के लिए वैलिड। अब सिमिलरली अगर हम सी आउट के लिए बनाना चाहें, सी आउट के लिए हम बनाते हैं, ये सी आउट हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, this is 0 1 2 3 4 5 7, इसमें क्या हो जाएगा 3 5 6 7, 3 5 6 7, इससे क्या प्रोवाइड कर देंगे, इससे हम प्रोवाइड कर देंगे 1, और बाकी जो है उसको क्या कर देंगे ग्राउंड कर। बाकी कौन सा बचा, ये हो गया, तो तीसरा ये है, इन सबको क्या कर देंगे, अरे इसको सिमिलरली यहाँ भी लिख दो S0, S1, S2, A, B, C, S0, S1 और S2 बना लीजिए सब लोग। GND का मतलब, GND मतलब ग्राउंड। ओके सर, हो गया, इज इट ओके, आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए नेक्स्ट इज देखिए, इंप्लीमेंट फुल एडर, इंप्लीमेंट फुल एडर यूजिंग 4:1। इंप्लीमेंट फुल एडर यूजिंग 4:1 मार्क्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर से फुल एडर इंप्लीमेंट करना है, तो आपको पता है कि 4:1 मार्क्स में इनपुट तो 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 इनपुट्स होंगे, बट सेलेक्ट लाइन कितने हो जाएंगे बताइए कोई, सेलेक्ट लाइन कितने होते हैं इसमें, 2। कितने होते हैं, 2 सर, 2, सेलेक्ट लाइन विल बी 2। हमारे पास इनपुट फुल एडर में कितने होंगे, इनपुट कितने होते हैं फुल एडर में, हाउ मेनी इनपुट्स आर अवेलेबल इन फुल एडर, 3 फुल एडर है, एक मिनट, 3 इनपुट्स हैं फुल एडर में और 2 ही सेलेक्ट लाइन है, ए और बी तो हम लोग दे सकते हैं इसमें इनपुट, लेकिन तीसरा जो इनपुट है वो क्या करें, तीसरा इनपुट जो है वो क्या करेंगे, है ना, जैसे मान ले 4 इनपुट, ये मैंने ये बना दिया सपोज दैट, ये देखते हैं, फोर इज टू वन मार्क्स, तो इसमें S0 S1 है, S0 S1 है ना, तो
इसमें ए और बी तो दे दिए, लेकिन सी इन कहाँ से देंगे? सी इन है ना, तो सी इन अपने को यहाँ से प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या लॉजिक है वो देखिए। एक मेथड है, उस मेथड को आप लोग एज इट इज फॉलो कीजिएगा, आई जीरो आई वन आई टू एंड आई थ्री, दीज आर इनपुट्स ऑफ फोर इज टू वन मार्क्स। दिस इज आई जीरो आई वन आई टू एंड आई थ्री एंड दिस इज आउटपुट सपोज एस, एस के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री लिख दिया, इसके बाद क्या करिए, ए और बी तो यहां से दे दिए, सी इन का एक प्रॉब्लम है, तो सी इन का एक डैश भी रहेगा और एक सी इन नॉर्मल भी रहेगा, दोनों रहेगा। सी इन डैश हमेशा ऊपर ही लिखना है, नीचे सी इन लिखना है। फिर नंबरिंग ऐसे करना है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ये नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जो जो भी मेन टर्म्स थे सम के लिए कौन कौन से थे मेन टर्म्स, ये देखिए सम के लिए आपका क्या क्या था, ये वाला था वन टू फोर सेवन, है ना। तो वन को गोला लगाइए, टू को गोला लगाइए, फोर को लगाइए और सेवन को लगाइए। अब जिसमें गोला लगा हुआ है, जिसमें भी गोला लगाया हुआ है उसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ लिखिए, ये गोला लगा हुआ सी इन में तो यहाँ लिख दीजिए सी इन, ये लगा हुआ गोला सी इन डैश में यहाँ लिख दीजिए सी इन डैश, ये भी सी इन डैश, और ये क्या हो जाएगा सी इन हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिए सी इन किससे किससे कनेक्टेड है, ये दोनों सी इन है यानी आई थ्री और आई जीरो, तो आई थ्री और आई जीरो जो होता है उसको कनेक्ट करेंगे किससे, सी इन से, ये हो गया सी इन। और सी इन डैश जो है किससे कनेक्टेड है, आई वन और आई टू से, आई वन और आई टू से सी इन डैश कनेक्टेड है, आई वन और आई टू से सी इन डैश कनेक्टेड है, तो यहाँ लिख दीजिए सी इन डैश, ये हो गया सम के लिए, राइट। इसी तरह से हम चाहें तो इसके लिए भी बना सकते हैं, सी आउट के लिए। अब सी आउट के लिए आप लोग बनाइए, उसके बाद फिर वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं बनाऊंगा तो बनाइए खुद से। सी आउट के लिए बनाइए खुद से सब लोग। बन गया, कितने लोग का बन गया, हैंड रेज कीजिए कितने लोग का बन गया है, देखता हूं मैं कितने लोग का बन गया है, बताइए। कोई हैंड रेज नहीं किए हुए हैं, हैंड रेज कीजिए, कौन कौन हैंड रेज किया है, कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया हैंड रेज, अटेंडेंस लेता हूं तब आप लोग का हैंड रेज होगा। बहुत Thank you.
बना है क्या किसी का? क्रिश चोपड़ा? यस सर, बना रहा हूँ बस। नमन सिंह? नमन सिंह, नमन सिंह एब्सेंट। प्रांजल? प्रेजेंट सर। बताइए क्या बना है, दिखाइए अपना कॉपी, दिखाइए प्रांजल। मुझे नहीं समझ। क्या नहीं समझ? तो अभी तक पूछे क्यों नहीं, जब समझ में नहीं आया तो है? राघव जोशी? दिखाइए दिखाइए कॉपी, दिखाइए आप राघव सर। आइसक्रीम में क्या करेंगे? कॉपी दिखाओ क्रिस, दिखाइए कॉपी, आप कॉपी दिखाइए, तब बताऊंगा कि आइसक्रीम में क्या करना है। कॉपी दिखाओ आप क्रिस। हाँ, क्या 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 किए हो, कौन कौन से टर्म को किए हो? गोला, माइक को ऑन करो पहले सर। 3567 को। 3567 को? हाँ, तो फिर कैसे किए हो फिर सर? आई3 में क्या करेंगे, मतलब वहां पर 6 और 7 जब दोनों में गोला है तो क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, जहां पे दोनों में गोला है वहां पे 1 लिखिए, और जो दोनों में गोला नहीं है वहां पे 0 लिखिए, ठीक है? यस। चलिए मैं एक बार बताता हूँ फिर से, काजन को नहीं भी समझ में आया है, नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए ना, जब मैं पूछना चालू किया हूँ तब समझ में नहीं आ रहा लोगों को है? करते क्या हैं आप लोग? देखिए 4:1 मक्स से आपको बनाना है फुल एडर, मींस आपको दिया गया है एक 4:1 मक्स और कुछ नहीं दिया गया आपके हाथ में, एक और आपको बोल रहा है कि उसी 4:1 मक्स को यूज करके आप फुल एडर की तरह इसको बिहेव करवाइए, तो कैसे करोगे, क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, वो आपको सोचना है यहाँ पे। तो उसके लिए तरीका ये है कि 4:1 मक्स में I0, I1, I2, I3 ये आपके इनपुट्स रहेंगे, है ना? पहले सम के लिए हम जानते हैं 1247 जो होता है, ये हमने इसमें बताया था कि 1247 मिन टर्म्स होते हैं, और सी आउट के लिए 3567 होता है। अब देखिए 4:1 मक्स है तो I0 से I3 तक इनपुट यहाँ लिख दिए, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हम नंबरिंग कर सकते हैं, दीज आर द मेन टर्म्स बेसिकली। एंड ए और बी को हम S0, S1 से भेज सकते हैं एज ए इनपुट, बट एक जो हमारा सी इन बचा है उसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सी इन डैश और सी इन लिखेंगे। उसके बाद अब हम लोग गोला लगाएंगे कैसे, सम के लिए चूंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सम में 1, 2, 4, 7 ही मेन टर्म्स होते हैं, उन सब में गोला लगाएं और देखते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग गोला है वहां पर लिख देंगे। जैसे ये गोला यहाँ पे है सी इन, सी इन लिख दिए, ये गोला सी इन डैश करस्पॉन्डिंग, सी इन डैश, ये गोला सी इन डैश के करस्पॉन्डिंग, ये गोला सी इन के करस्पॉन्डिंग लिख दिया। अब जब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे 4:1 मार्क्स, ए और बी S0, S1 से प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि सी इन और सी इन किससे लिए हैं, I3 और I0 से, तो I0 और I3 को कनेक्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे और सी इन के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक। सिमिलरली सी इन डैश से कनेक्ट करेंगे I1, I2 को, I1, I2 को शॉर्ट किया और सी इन डैश भेज दिया, दैट्स ऑल, खत्म। अब अगर हम चाहते हैं इसके सी आउट के लिए, तो सी आउट के लिए अलग बनाते हैं I0, I1, I2, I3, क्या फिर से वही सी इन डैश सी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पे हमारे मिन टर्म्स कौन कौन से होते हैं सी आउट के लिए, सी आउट के लिए देखिए क्या है आपका मिन टर्म्स, ये वाला है ना, दिस वन,
थ्री फाइव सिक्स सेवन, तो थ्री फाइव सिक्स सेवन में हम लोग यहाँ लगाते हैं गोला, ये थ्री फाइव सिक्स सेवन में गोला लगा दिया। अब गोला लगाने के बाद अपने को लिखना पड़ेगा, जब दोनों में गोला नहीं लगा है तो उसको जीरो लिखेंगे, और ये गोला लगा है सी इन में तो सी इन लिखेंगे, यहाँ पे सी इन लिखेंगे, दोनों में गोला लगा है तो उसको हम लोग लिखेंगे वन। ठीक, अब बनाइए फोर इज टू वन मार्क्स, आउटपुट में हो जाएगा सी आउट, सेलेक्ट लाइन एस जीरो एस वन, इसके थ्रू हम लोग ए और बी भेज रहे हैं, आई जीरो वन टू थ्री, आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री, दिस इज आवर फोर इज टू वन मार्क्स। अब जीरो प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी आई हाँ जीरो प्रोवाइड कर रहे हैं कहाँ से, आई जीरो से, आई जीरो से जीरो प्रोवाइड कर रहे हैं मीन्स ग्राउंड दे रहे हैं, और आई थ्री से वन दे रहे हैं तो इसको वन, और आई वन आई टू से सीन दे रहे हैं, इसको शॉर्ट कीजिए और यहाँ लिख दीजिए, ये आपका सी आउट के लिए। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद बनाइए, इसको नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 10 मिनट दिया जाएगा और उसको आप बनाइए। हो जाएगा ये लिखा हुआ तो बता दीजिएगा। सर एक बार सी इन वाला दिखा दीजिएगा प्लीज। सी इन वाला, सी इन कौन सा, ये है सम वाला, ये वाला क्या? हाँ सर ये वाला, नोट कर लो नोट कर लो। हो गया? यस सर। चलिए ये नोट कर लिए। यस सर। यस सर। क्वेश्चन इज इंप्लीमेंट लॉजिक फंक्शन यूजिंग 8:1 मार्क्स, वाई इज इक्वल टू सिग्मा एम 0, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14 एंड 15। बनाइए इसको, इसको शीट पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं तब तक अटेंडेंस लेता हूं। और सब लोग अपना अपना कॉपी दिखाएंगे अभी, जैसे जैसे अटेंडेंस लेते जाऊंगा वैसे वैसे आपको कॉपी भी दिखाना है।
पैरेलल रोल नंबर 1 to 10 ई सेक्शन रोल नंबर 1 to 10 जितने लोग हैं सब अपना वीडियो ऑन कीजिए और कॉपी दिखाइए पूरा कंप्लीट है यानी नोट कर लिए क्वेश्चन लॉजिक फंक्शन में क्या बनाने हैं लॉजिक फंक्शन में अरे तो लॉजिक फंक्शन दिया हुआ ना y0 is equal to sigma m this one 8:1 को मल्टीप्लाई आप जो है सो इंप्लीमेंट कीजिए इसी फंक्शन को ओके सर नहीं समझ मा रहा अभी भी जैसे उसमें s is equal to sigma m 1 to 4 7 लिखा हुआ था ना वो s के जगह पर ये y है बस हो गया खत्म और कुछ नहीं चलिए रोल नंबर 1 to 10 ई सेक्शन कोई अगर है तो दिखाइए सर रोल नंबर 1 प्रेजेंट वीडियो ऑन कीजिए सीधा और अपना कॉपी सर कर रहा हूं कर जल्दी से सब लोग ऑन कीजिए वीडियो रोल नंबर 1 to 10 जो है पूरा कॉपी पलटिए यस सर पूरा नोट्स कॉपी लिखा हुआ है क्या ये देखिए सर चलिए क्या रोल नंबर है 1 है ना यस सर 1 और उसके बाद बताइए 1 to 10 मोर कोई है क्या कोई नहीं है वीडियो ऑन ही नहीं है किसी का इसका मतलब सब एब्सेंट है रोल नंबर 11 रोल नंबर 9 प्रेजेंट सर रोल नंबर 9 प्रेजेंट हां तो ऑन करो ना वीडियो ऑन करो तब मैं प्रेजेंट मानूंगा आज प्रेजेंट, जब तक नहीं वीडियो ऑन होगा तब तक कोई प्रेजेंस नहीं होगा और कॉपी दिखाइए कॉपी दिखाइए जल्दी से सब लोग वीडियो ऑन करो रोल नंबर 1 टू 10 कॉपी पलटो और सर ये अभी कवर ठीक है रोल नंबर 6 और 9 बस इन लोग दिखाए हैं 6 और 9 ठीक है चलिए ठीक है देख लिया मैं 6 रोल नंबर उसके बाद 11 से 20 तक बताइए कोई है ई सेक्शन वीडियो ऑन करो जल्दी से 11 टू 20 कोई नहीं है 21 से 30 21 प्रेजेंट वीडियो अपना वीडियो ऑन करो और कॉपी दिखाओ कॉपी दिखाते जाओ 17 रोल नंबर में देख रहा हूं आपका वीडियो 25 आपका वीडियो ऑफ है जल्दी से ऑन करो सर ट्वेंटी फाइव ठीक है दिखाते जाओ और कोई है 30 रोल नंबर तक और कोई है कबीर का लग गया है अटेंडेंस उसके अलावा बताइए 17 दिखाए सर अभी जगे हो आप नहीं सर अभी तो दिखाए ना आपको कैमरा ऑन करके अच्छा 17 हो गया ना भाई आपका काहे टेंशन ले रहे हो तो गया ओके सर 30 तक पूछ रहा हूँ और कोई है क्या बचा हुआ सर 25 हो गया 25 हो गया हाँ 30 तक और कोई नहीं है 31 32 33 कोई है क्या नहीं है चलिए 34 से लेकर के 40 तक सर 39 हाँ दिखाइए वीडियो दिखाओ पहले थर्टी एट भी कॉपी पलटते जाओ 38 वाले कॉपी पलटो पलटते जाओ पूरा है कि नहीं लिखा हुआ जिसका हो गया अटेंडेंस आप लीव करते जाओ सर मैं बाहर आया हूँ मैं कैसे करूँगी बाहर आया हो तो अटेंडेंस नहीं मिल पाएगा बेटा क्योंकि मेरे को कॉपी चाहिए कॉपी देखना है नोट्स कॉपी आप जिस प्रेजेंट आप जिस दिन भी कॉपी दिखाओगे उस दिन अटेंडेंस आज का ले लेना ओके ठीक है 39 बताइए 39 38 हो गया आप लोग का 41 से लेकर के 64 तक 34 क्या कर रही थी इतना देर तक अभी चिल्ला रहा हूं तो जल्दी से पलटो कॉपी को 41 से 64 और कोई है क्या प्रेजेंट अभी दिखाइए बाकी लोग चले जाइए नहीं दिखा पा रहे हैं तो सर 53 बोलने से नहीं होगा आप दिखाइए कॉपी 60 का दिख रहा है
पलट दीजिए 60, 64 भी पलटिए। पलटते जाइए कॉपी। क्या क्या छूटा हुआ 64? यस सर, वो मैं कंप्लीट करूंगी। हाँ वो कंप्लीट करना पड़ेगा सर। होमवर्क क्वेश्चंस रफ में की हूँ, फेयर में उसको लिखना है बस। सब फेयर में लिखो, सब कुछ फेयर में लिखो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। यस सर। चलिए ठीक है, 53 देख लिया, 64, 60 का भी हो गया है। चलिए और कोई है? अब कोई नहीं है। एफ सेक्शन आ जाइए। एफ सेक्शन 1 to 20 कोई है क्या? एफ सेक्शन, ई सेक्शन वाले सभी लोग चले जाओ। रोल नंबर 2 है अभिषेक, दिखाइए अभिषेक घोष। बस अभिषेक घोष है 20 रोल नंबर तक, और कोई नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, आप भी चले जाओ, लीव कर जाओ। 20 हो गया। 21 से 33 तक कोई है क्या? 21 से 33 यस सर। सर रोल नंबर 2 अभिषेक घोष का सर। अभिषेक घोष बोला ना भाई, हो गया ना। 21 से, हाँ 21 कौन है? ईशभ ठाकुर, दिखाते जाइए। 22 है जैफरीन, पलटते जाओ। 28 है मानस, पलटते जाइए। आप लोग का लेकिन कुछ कुछ छूटा हुआ दिख रहा है मेरे को, उसको कंप्लीट करो जो छूटा हुआ है। और कोई है क्या 33 तक? कोई नहीं है। चलिए ठीक है, जो छूटा हुआ उसको कंप्लीट कीजिए बेटा आप लोग, है ना। चलिए 34 से लेकर के 50 तक, 34 से 50 तक, 34 से 50 तक कोई नहीं है क्या? रेज हैंड, रेज करने से कुछ नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा। 42 कहाँ है? दिखाइए कॉपी, दिखाइए। हाँ कॉपी दिखाओ, कॉपी। कॉपी नहीं दिखा पा रहे आप। हाँ ठीक है, अब दिखाइए। और कोई है क्या 50 तक और कोई है क्या 50 तक और कोई है? कोई नहीं है। चलिए 51 से 64 कोई है क्या? सर मेरा है, लेकिन मैं रफ में लिखा हूँ, मैं दिखा देता हूँ उसको। फेयर में मतलब आई वांट फेयर कॉपी, मैं पहले दिन से ही बोल दिया था। फेयर में सर, फेयर में सर कॉपी करना बच्चा है, मतलब पहले का लिखा हुआ है। आप जिस दिन फेयर में कर लोगे उस दिन जो है मैं आपको अटेंडेंस दे दूंगा आज का। जी सर, लेकिन मेरा वर्क सारा लिखा हुआ है, मेरे पास है कॉपी। फेयर कॉपी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास। नहीं फेयर है सर, फेयर भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें अभी 3 दिन का नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो 3 दिन का कंप्लीट कर लो, आपका नोट कर लेता हूँ कि आपको जो है अटेंडेंस दिया जाएगा अगर आप 3 दिन का। जी जी सर, जी जी जी, तीन दिन का रफ कॉपी में है वैसे सर, इसी में। हाँ ठीक है, आप बता देना फिर कि सर हो गया है कम्प्लीट, फिर मार्क कर दिया हूँ। ठीक है जी सर। और कोई है क्या? 42 का लग चुका है ना, और 52 का भी लग ही गया है मान के चलो। और कौन है? यश साकरे, क्या रोल नंबर है आपका बेटा? सर 62। 62 है, ठीक है पलटते जाइए। और कोई है? और कोई है? कोई नहीं है। चलिए ठीक है, बाकी लोग आप लिव कर जाइए, जब कंप्लीट होगा तब दिखाइएगा। ओके थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है
Thank you.